दिल्ली एनसीआर में हालात बेकाबू होने की कगार पर आज सबसे ज्यादा धुंध का असर। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। नोएडा में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। AQI 380 के पार पहुंच गया है। पॉल्यूशन के सफेद चादर ने पूरे शहर को ढक लिया। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई है और बच्चों और बुजुर्गों को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निशांत हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से। निशांत, लगातार देखा जाए तो एक जिस तरह से धुंध जो है वो छाई हुई है और AQI का जो स्तर है वो भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह के हालात है वहां पर निशांत? शांतनु जी, ये कहना होगा कि राजधानी की हालत अब एकदम बेकाबू हो चुकी है। आज की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक और खराब बनी हुई है। देखिए, हमारे चारों तरफ जो सफेद चादर है, धुंध का चादर है, वो देखा जा रहा है और इस समय हमारी मौजूदगी जनपद पर है। हालत इतनी ज्यादा बेकाबू है कि आज हम कुछ ही दूर पर स्थितियों को और इसके अलावा दृश्यों को हम नहीं देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि AQI आंकड़ा जो है, AQI आंकड़ा कई जगहों का 400 से ज्यादा पहुंच चुका है। आनंद विहार की बात कर लें, अशोक विहार की बात कर लें, इसके अलावा द्वारिका हो, रोहिणी हो, इन क्षेत्रों के AQI आंकड़ा 400 के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इस पर नियंत्रण करने की बजाय राजधानी में अब सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो उनके पर्यावरण मंत्री ने लोगों से जरूर वर्क फ्रॉम होम की अपील की है। निर्माणाधीन कार्य जो रुके हैं उनके मजदूरों को धनराशि देने की बात की कही है। लेकिन इसको लेकर जो बड़े एक्शन की कवायद है, जो आवश्यकता है, वो कहीं जमीन पर नहीं दिख रहा है। वहीं आज BJP की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जंतर मंतर पर धरना देंगे। यानी सियासत तो एक तरफ चल रही है, लेकिन जहां लोगों को राहत मिलनी चाहिए, जहां लोगों को एक खुली हवा में सांस लेने का माहौल मिलना चाहिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। देखिए, हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, कल की तस्वीरें थोड़ी आज से बेहतर थी, आज की स्थिति और भी ज्यादा बेकार और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या सियासत को एक तरफ रखकर लोगों के हित के लिए सोचा जाता है कि नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निशान देखिए बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, और खासकर अगर बात की जाए जिस तरह से कहा जाता है कि देखिए पराली जलाने को लेकर बात हो जाती है, होती है कि किसानों को जो है वो जागरूक किया जाएगा, पराली जलाने से रोका जाएगा, स्मॉग टावर लगाए जाएंगे, लेकिन जब भी कहा जाए कि सर्दियां जब आती हैं तो उसके बाद जिस तरह का जो नज़ारा है वो कुछ इसी तरह का दिखता है। दिल्ली NCR पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एक गैस चैम्बर में जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। निशान, बिल्कुल शांतनु जी, पूरी तरह से गैस चैम्बर में, और NCR ही नहीं बल्कि राजधानी, जहां पर पूरे ब्यूरोक्रेट्स हों, अधिकारियों का एक बड़ा तबका हो, इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, राज्य के मंत्रिमंडल हो, वो बैठे हों, लेकिन उसके बावजूद अगर दिल्ली को बेहतर हवा नहीं दी जा रही है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नाकामी होगी। और सबसे ये बात है, यहाँ पर एक अलग बात है कि प्लान एक्शन जो वॉर रूम तैयार किए गए थे वो अब कहाँ दिखाई दे रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही थी कि नहीं, जो ईंधन गाड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल कम से कम हो, पराली जो हवाएं, जो हवा रोकने के लिए जो कवायद